आसमान से आग बरस रही है, इंसान से लेकर जानवर भीषण गर्मी से परेशान है। गर्मी के प्रकोप से राहत पाने के लिए ताजमहल के अंदर बने वजू टैंक में बंदरों के स्विमिंग करने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में तमाम बंदर वजू टैंक में गर्मी से राहत पाने के लिए उछल कूद करते दिखाई दे रहे हैं। ताजमहल के अंदर बंदरों की स्विमिंग करने का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जाहिर की है। हालांकि वे इस भीषण गर्मी का प्रकोप भी मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ इस घोर लापरवाही के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नमाजियों का कहना है कि रमजान के दौरान ताज के अंदर रोजाना तरावी होती है, इस दौरान यहां नमाज भी अदा की जाती है। नमाजी इसी वजू टैंक में वजू करते हैं, ऐसे में इससे नमाजियों में बीमारी का खतरा बढ़ गया है। ताजमहल पर बंदरों के आतंक की जानकारी के बाद भी अभी तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। ये जो आप देख रहे हैं नजारा ताजमहल में मस्जिद के अंदर हौज के ऊपर का, जिस तरह से ये बंदर नहा रहे हैं, इससे दो चीज़ें साबित होती हैं। इसे हम गर्मी का प्रकोप भी कह सकते हैं और इसे हम विभाग की लापरवाही भी कह सकते हैं। विभाग द्वारा किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, ये साफ नज़र आ रहा है। इस पानी को लोग मुंह में लेते हैं, कभी कभी अंदर भी पेट में चला जाता है, इससे मुंह धोया जाता है, वुजू किया जाता है। इतनी पाक इबारत, इतनी पाक जगह पर जिस तरह से बंदर नहा रहे हैं और एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, तो ये साफ जाहिर होता है कि किस तरह ASI की लापरवाही है। अगर ASI लापरवाही ना करे और इस तरह से ना करे, साथ खास बात ये भी है कि यहाँ जो वजू के पानी को जब आदमी मुंह में लेता है, अंदर जाता है, तो उससे बीमारियाँ भी फैलती हैं। लोग जो अक्सर बीमार हो जाते हैं, ये सुनने को मिल रहा है। पर्यटक भी जब प्यासा अंदर से घूम करके लौट के आता है, उसे पानी नज़र आता है, वो समझता है ये साफ पानी है। उसे नहीं मालूम कि कितना गंदा बंदर यहाँ कैसे नहा के गया है, कौन सा जानवर इसके अंदर घुस के गया, और इसको जब वो मुँह लेता है तो बीमार हो जाता है। ऐसे ही नमाजी बीमार होते हैं और इस पर अभी तक ASI ने कोई अमल नहीं किया। ताजमहल समेत पूरे आगरा में बंदरों का आतंक किसी से छिपा नहीं है। ताजमहल परिसर में फ्रांसीसी पर्यटकों को बंदरों द्वारा काटे जाने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि अब ये नया वीडियो सामने आने से ताजमहल एक बार फिर से चर्चा में आ गया है।